फिर क्या सोचा है तुमने बेटा? पापा, मेरा वही फैसला है। मैं मुर्तसिम से शादी नहीं करना चाहती। उसको इनकार करना मेरा हक है। नहीं, पहले तुम मुझे बताओ कि मेरा तुम पर कोई हक है या नहीं। मैं तो तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरी बेटी हो या नहीं। माँ बाप, प्लीज ऐसे नहीं कहें, ऐसे मत कहें। मुझे मुर्तसिम से शादी नहीं करनी है। क्यों, क्या कमी है उसमें? वो सोने का भी बन के आ जाएगा ना, तो वो मुझे शादी के लिए कबूल नहीं है। मेरा बेटा, अभी तुम बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो, और फिर एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करनी है ना। तो क्यों ना मैं ऐसा लड़का मुंतखब करूं जिसे मैं जानता हूं। आप जानते हैं वो काफी नहीं है बाबा। मेरी और मुर्तसिम की जीरो कंपैटिबिलिटी है। अरे वो पढ़ा लिखा है, बिजनेस के साथ जमींदारी संभालता है, किसी चीज की कमी नहीं है। और क्या चाहिए? चाहे जो भी हो, मुझे मुर्तसिम नहीं चाहिए। या तुमने किसी और को ढूंढ रखा है? अगर ऐसी बात है तो बताओ मुझे, ताकि मुझे पता चले कि जो आजादी मैंने तुम्हें दी है तुमने उसे कैसे इस्तेमाल किया है। बाबा, आपकी दी गई आजादी का मैंने कभी कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया। फिर तुम्हारे पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है बेटा। है, मैं एक जीती जागती इंसान हूँ। मेरे मुल्क का कानून और मजहब मुझे मेरी मर्जी की शादी करने की इजाजत देता है। बहुत अच्छे, अब मेरा पढ़ाया मेरे मुंह पे मारने की बारी आ गई है। हाँ, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, बिना कहे तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। क्या तुम मेरी ये एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती हो बेटा? पापा, काश आप मुझे ना पढ़ाते, ना मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते। इसी घर में रखते मुझे कैद करके, तो आज इसी शादी के लिए खुशी खुशी हाँ कर देती मैं। ये कमजोर औरत नहीं हूं, और यही आपने मुझे सिखाया। तो क्या मैं अब पछताऊं इस बात पर? हवा, इसमें पछताने वाली क्या बात है? आप क्यों इतना मजबूर हैं? मैं मीरा हूँ, आपकी बेटी, जिसकी हर ख्वाहिश आपने यूं पूरी की है। क्या इसी वजह आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप ये मजबूरी के तारे क्यों नहीं तोड़ देते? बेटा, मेरी खातिर हाँ कर दो। सिर्फ एक हाँ। अब भी मैं तुमसे यही तवक्को करता हूं कि तुम मुर्तसिम से शादी करोगी। यही तुम्हारे लिए बेहतर है।